जय करने जा रहा बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये कल वाला परफ्यूम जो मुझे फ्री मिला था और अभी मैं उसको कर रही हूँ यूज़, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी उसके साथ, मुझे ये डिस्काउंट में थोड़ा सा फ्री समझ लो वैसे ही मिला था। बहुत कम पैसों मुझे ये मिल गया था कि मैंने ज़्यादा शॉपिंग की थी। और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत प्यारे और बहुत फेमस टेंपल के टेंपल में जा रहे हैं वहाँ पे, और उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये है क्या बोलते हैं, कोकोनट होता है ना, उसका एक स्क्रबर सा है, ममार्थ उसका, मोम्स उसका, क्या कहते हैं उसे, एक ब्रांड है उसका है। और इसको ना आप अगर लिप्स में लगाते हो तो आपकी लिप्स पिंक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्क्रब का काम करता है। अगर आपकी लिप्स पे कोई डल सी हो जाती है, जैसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है साइड से, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और ये है मेरा काजल जो मैं घर से लेके आई हूँ, जो नेचुरल बना है। एक्चुअली ये जो मेरी मामी है उन्होंने बना के विवान को दिया था लगाने को, बट ये अब मैं यूज़ करती हूँ, बीच बीच में मैं यूज़ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहना है सूट। ये सूट मैंने मीशो से मंगवाया था। सबसे पहले मैंने की तैयार होने के बाद पूजा, और क्योंकि मैंने जब सुबह उठी थी तो हम सुबह ही, अभी सुबह सुबह वहाँ जाना पड़ता है, हस्बैंड गए थे जिम से वो वापस आए, उतने में मैं नहा धो के फ्रेश होके विवान को तैयार करके, मैंने पूजा नहीं की थी, मैं नहाने के बाद ही अभी पूजा करनी थी। तो मैं अभी सबसे पहले पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद हम लोग चलेंगे प्यारे से संदूर में। और बहुत प्यारा टेम्पल है वहाँ की, बहुत अच्छी स्टोरी भी है। कहते हैं वहाँ की स्टोरी है कि वहाँ पर जो वो भगवान है, उन्होंने उस टाइम पे अंग्रेज़ों के टाइम में जब राजा ने जो भी था, मतलब जितना भी सामान था जैसे सोना सोना जो था वहाँ पे छुपाया था, उस वहाँ पे एक गुफा है अंदर गुफा, और उसमें छुपाया था, तो भगवान ने उसकी रक्षा की थी। ऐसे यहाँ के लोग मानते हैं कि वो वहाँ पे ऐसा होता, बट वो जो है वो शिव जी के पुत्र जो गणेश जी हैं उनके ही, गणेश जी के भाई और शिव जी के बेटे हैं। निकले हैं और गाड़ी में एक्चुअली ना कपड़े मैंने बाहर डाले थे, उनको अंदर रखने के लिए, तब तक हेलमेट वगैरह नीचे उतर गए और गाड़ी स्टार्ट करके खड़े भी हो गए। जल्दी जल्दी मैं कान में पहनना भूल गई और मुझे याद आया कि मैंने गाड़ी में ही अपने इयररिंग्स रखे हैं और मैं ना उन्हीं को डाल रही हूँ। बट क्या है, मेरी आर्टिफिशियल, मेरे कान में ना इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मतलब होल मेरे बंद हो गया कान के ना इन्फेक्शन की वजह से, बट मुझे इतने प्यारे हैं ना कि मैं पहनती हूँ फिर भी। और हम निकले यहाँ पर, आपको थोड़ा ट्रक वर्क ज़्यादा दिखाई देते क्योंकि यहाँ JSW है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे आरे परे जितने भी हैं ट्रक बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि JSW पूरा प्लांट है, प्लांट के आसपास में बहुत ज़्यादा आपको ट्रक वर्क, थोड़ा हल्का फुल्का कहीं ट्रैफिक दिखेगा, बट यहाँ पे देखना ट्रक वर्क, मिट्टी बहुत सारी जो है वो रेड सी है, किस वजह से है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जब थोड़ा आगे जाओगे, यहाँ माइनिंग होती है और जितने भी पहाड़ हैं उन पर ऊपर ऊपर माइनिंग हो रही है, और इनको मतलब धीरे धीरे सब माइनिंग करके इसको ख़त्म कर रहे हैं, बट बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे आई थिंक कर्नाटका का भी है और JSW का भी है, तो हम लोग बहुत अच्छे से गाने सुनते हुए, बहुत प्यारा सा व्यू भी आया। इससे आगे तो और भी प्यारा व्यू आएगा, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे तो मैंने देखा था ये, इस यहाँ से क्रॉस करेंगे ना तो ये सबसे प्यारा व्यू है। जब आगे जाते हैं ये पूरा मोड़ सा आता है एक, वो सबसे प्यारा व्यू लगता है मुझे। इवन शायद मैंने सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, आई थिंक थर्ड टाइम ही आ रही हूँ, और मैंने यहाँ से जब आगे हम टर्न लेते हैं ना, क्योंकि JSW यहाँ पे आगे माइनिंग वाला एरिया आ जाएगा, ये प्लांट के तक का है, जो प्लांट पीछे है उसके गेट तो अंदर है, वहाँ तो किसी को अलाउड नहीं है, बट यहाँ बाहर बार जो लोग रहते हैं काम करते हैं वो लोग रहते हैं। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है, और इस तरफ से एक डैम भी है, डैम या कुछ है पानी जहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, वो बहुत सुंदर है। और यहाँ पे देखो आपको देख के हिमाचल की फीलिंग आएगी, इन पहाड़ों को देखो मुझे लिटरली हिमाचल की फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऐसी जगहें हमारे हिमाचल में हैं और आपको कर्नाटका में भी देखने को मिल रही हैं। ये रहा यहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा, अरे लेक है आई थिंक, ये मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैंने इतना सर्च नहीं किया इस बारे में, बट हमारे घर से बहुत ही कम डिस्टेंस में ये है, और आई थिंक कितना 10 से 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, हाँ 10 से 15 किलोमीटर आई थिंक 10 किलोमीटर होगा ये जो लेक है। और विवान पीछे बैठा हुआ, विवान को मैं व्यू दिखा रही हूँ, विवान खुश हो रहा है, और मेरे को इतने प्यारे व्यू को देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ऐसी जगह को
एक्सप्लोर कर रही हूँ। विवान कर रहा है डांस, बहुत अच्छे वाले गाने में वो डांस कर रहा है, उसको बड़ा खुश होता है। तोबा तोबा आजकल गाना लगा है उसको, वो उसको बड़ा पसंद है, वो उस पर भी कई बार डांस करता है। देखो कैसे कैसे डांस कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। मुझे बच्चे जब कुछ ऐसी हरकत करते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं, मन करता है ना इनसे ऐसी कोई हरकत करवाते रहे। ये मोड सबसे प्यारा है, और ये मतलब यहाँ से जैसे मोड़ोगे ना, अभी मुझे नहीं पता कैमरे में कैसे आपको दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में आप देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको। विवान तो पूरा फन कर रहा है, उसको उसको लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर उसको जब भी लगता है वो हमेशा ऐसा कहता है कि हम नानी घर जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो उसको हमेशा ये लगता है कि हम नानी घर जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आगे ना थोड़ा रोड भी ख़राब है, क्योंकि माइनिंग जब होती है ना तो सारा रोड लाल लाल, ट्रक गाड़ियाँ सारी लाल हो जाती, मिट्टी पूरे उसमें धूल मिट्टी गिरती है ना, तो माइनिंग की वजह से सब खराब हो जाता है। वो देखो सामने ऊपर से माइनिंग वो आ रही है, ये जो जा रही है ये माइनिंग वाली ही वो जा रही है, पाइप सी जा रही है ना, ये सारा पता नहीं कितने किलोमीटर में है यार, मतलब बहुत बड़े एरिया में है। और देखो अब सामने को मिट्टी पूरी लाल लाल दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल रेड रेड। तो विवान ने अपने आप ही सीट बेल्ट पहन लिया ऐसे करके और बैठ गया हुआ शांति से कि हाँ मम्मा ने पहनी है तो मैंने भी सीट बेल्ट पहनी हुई है। पूरा कॉपी करता है, मतलब जो भी आप करोगे उसकी सारी 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 कॉपी करेगा। और हम लोग अभी हमें शायद हमें 10 से 15 या 20 मिनट लगेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, और ये है मंदिर के बाहर का, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी जहाँ खड़ी करते हैं ना वहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ कुछ लोग तो हैं भी, यहाँ पे बाहर पैर धोने को है, जहाँ पे हम पैर वैर धो रहे हैं। और इसके साथ आ रही हूँ ये जो टेंपल है ये कुमार स्वामी टेंपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गणेश जी के जो भाई हैं, बट हमारे वहाँ पे इनको केलंग बोलते हैं। मैंने जितना सर्च किया जितना पूछा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों से बात करना, बट लोगों को बड़े डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री बताई, जितनी हिस्ट्री मैंने बताई की, तो ये जो है गणेश जी के भाई हैं, हमारे यहाँ उनको केलंग बोलते हैं। लोगों का तो यही कहना है कि भगवान जी जो है वो उन्होंने सोने को बचाया था, एक गुफा में रक्षा की थी, ऐसा ही कहना है सबका। यहाँ से कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? हो गया हो गया, कितना पुराना होगा यार देखो। वो ऊपर जाने के लिए कितना सुंदर होगा देखो, इतनी हाइट पे ना पूरा हिमाचल वाला फील आ रहा है यहाँ पे, जैसे हिमाचल में हाइट पे मंदिर होता ना। सोच रही कितना पुराना होगा, देखो किस तरह से बनाया है यार वो, सोचो आप इसका पत्थर देखो। नोजी का है, जय करो यहाँ, जय अच्छे अच्छे करो, अच्छे अच्छे कुछ कुछ परेशान नहीं करते, फिर मारेंगे आपको। चिड़िया की आवाज आ रही है, सुकून जिसको बोलते ना, सुकून शहर से दूर शांति वाली जगह, इतने पहाड़ों से थोड़ा सा ऊपर, बहुत अच्छा है। इधर क्या नीचे देखो, यहाँ से चलो इधर कुछ नीचे एक मंदिर और है क्या, इधर आप जा करनी है, जा रहे देखो। चलो क्या अंदर, डरता ही नहीं है यार ये देखो ना, जय करने जा रहा है बच्चे भगवान जी के पास, मारेगा आपको। जस्ट अभी धोए हैं पर नीचे से मिट्टी वाले में, सोची गाड़ी के ऊपर विमान खोने वाले बंद करके इसके अंदर आ गया। और इतना इतनी शांति वाली जगह है ना, मैं आपको दिखाऊंगी लोकेशन थोड़ी देर, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब इस जगह का नाम है, मैं हस्बैंड से पूछती क्या था उन्होंने बताया था, मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। यहाँ सारे पर इतनी हरियाली है ना, इतना प्यारा है, तो नीचे वाले में चल पड़ते हैं ना। संदूर में है ये टेम्पल, और बिल्कुल थोड़ा हाइट पे है, और
बढ़िया मजा आता है, शांति थी यार ना, ज्यादा भीड़ भूड़ भी नहीं थी। आप बोलोगे कि बड़ी ज्यादा भीड़ थी, तो ये शिवरात्रि शिवरात्रि पे शायद यहाँ पे थोड़ी ज्यादा भीड़ होती होगी, या कोई फेस्टिवल या जैसे भगवान का कुछ होता होगा उस टाइम थोड़ी भीड़ होती होगी, बट बढ़िया था, मजा आया भगवान जी के दर्शन करके। विवान देखो भी, विवान तो पूरा खुश रहता है हर जगह का। ये तुम्हें हमारा जो पुराना घर है ना वो वाला फीलिंग दे रहा है मेरे को, दे रहे ना विवान तो सो गई, गुस्सा हो गया खाएंगे। ये सारी माइनिंग कर देंगे क्या ऊपर, देखो इतने दूर बड़े बड़े पहाड़ों को भी। अरे बाप रे, आप बच्चा चीज़ खाएंगे, आजा ये देख मम्मा चीज़ दे रही है। आपको सामने पूरा रोड जो पूरा लाल लाल दिख रहा होगा, इससे गाड़ी भी बिल्कुल खराब हो जाती है। वैसे तो अगर जैसे आगे वो हो जाए ना, पूरी मिट्टी वाली हमारी गाड़ी हो गया, और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गया, और मुझे ना हल्की हल्की बारिश बड़ी पसंद है, जैसे हल्की हल्की बारिश होती है ना, और उसके बाद लग पड़ी हमें भूख। और मैंने नहीं एक्चुअली हस्बैंड ने डाले थे विवान के लिए लेस, तो मैंने वही खोले, मैंने कहा सबसे पहले वही खोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने सुबह भी थोड़ा थोड़ा ही खाया था। और व्यू का मज़ा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी वापस, और सोच रहे हैं कि लंच हम बाहर ही कर लेते हैं, घर पे कौन बनाएगा, क्योंकि टाइमली खाना बाहर से खा के आराम करेंगे घर पे। तो इसको व्यू आपको दिखा रही हूँ, ऊपर देखो ऊपर बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मतलब ऊपर बारिश हो रही थी देखो, मतलब इवन कितना 5 मिनट के डिस्टेंस में ही बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, थोड़ा जो पहाड़ी थोड़ा सा पहाड़ था ना ऊपर, तो बारिश हो रही थी, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे वही पानी दिख रहा है गाड़ी पे जो ऊपर गिरा था, और हल्का हल्का सा बूंदे गिर रही है, बस हल्का हल्का, ऊपर थोड़ा हो भी नहीं थी बारिश। पर आगे हम जाएंगे ना, जैसे थोड़ा आगे पहुँचेंगे वहाँ पे आपको मौसम में कोई एक बूंद भी नहीं गिरी होगी पानी की, इतना मतलब वो जाता है। तो विवान पूरी मस्ती कर रहा है, उसको मैंने पीछे दे दिया लेस का पैकेट, वो खा रहा है पूरा मस्ती कर रहा है। और ये देखो इतना बड़ा सा एक साइड से पहाड़ आ रहा है, मैंने इनको बोला यहाँ गाड़ी रोक के, बोलते यार तुम बोला आप तो उतर जाओगे, विवान कितना परेशान करेगा। तो हाँ ऐसी एरिया में ना बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कि बच्चों से डिफिकल्ट होता है कि बच्चे भागते हैं बहुत ज़्यादा, इनको पकड़ने वाला कोई अच्छा होना चाहिए कि आप अच्छे से मतलब घूम सको, और बच्चों को पकड़ने वाला एक मेन इंसान होना चाहिए। तो हम लोग पहुँच गए इसके बाद होटल, और हम लोग खाने वाले हैं अभी कुछ अच्छा अच्छा लंच करने वाले हैं यहाँ पे। मेन्यू तो मैंने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, बट मुझे कुछ भी ऑर्डर करना समझ नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं हमेशा हस्बैंड को ही, बट मैं इस पर सोचा कि मैं देखती हूँ फिर ऑर्डर करने को बोलती हूँ, बट मुझे पता है मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा। टमाटो का चम्मच और फिर हम लोग पहुँचे घर, और घर पहुँचने के बाद मैंने सुबह एक्सरसाइज नहीं की थी, उसके बाद मैंने अभी जस्ट अभी एक्सरसाइज की, और बहुत सारी एक्सरसाइज की थी, पर मैं इसको आपको कम कम कर दिखाऊंगी, नहीं तो अदरवाइज़ पूरी दिखाई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी मैं प्लान करूँगी, एक मिनट अभी जस्ट मैं सिंपल करूँगी जैसे नॉर्मल करते हैं, बट मैं वेट के साथ भी करती हूँ, वेट को जैसे 10 kg पीठ पे रख के उसके बाद मैं प्लान करती हूँ, बट दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये प्लान जो होता है वो आपको वेट लॉस के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। आप अगर एक मिनट जैसे पहले आप 60 seconds करते हो, 30 seconds करो, फिर 60 seconds करो, फिर थोड़ा बढ़ा दो, वैसे वैसे करके आप मतलब प्लान करोगे तो आपका जो आगे वाला टमी होता है उसके लिए साइड उसके लिए बहुत मतलब पूरी बॉडी का वेट लॉस करता है। और मेरे को ना इसमें इतनी थकावट हो जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। देन उसके बाद मैंने अपने लिए पानी और थोड़ा लेमन डाल के मैंने बनाना है, और हस्बैंड के लिए, और पहले सुबह मैं विवान के लिए बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए चीला वगैरह कुछ बनाऊँगी। तो ये मैंने ढक के रख दिया, इसको मैं पीऊँगी बाद में, पहले मैं विवान के लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि विवान ने सिर्फ वहीं पे खाया था, जब हम रेस्टोरेंट में खाया था वहीं खाया था, तो विवान के लिए खाना रखा है। और इसमें मैं अपने वाले पानी में डाल रही हूँ लेमन, और ये चिया सीड है,
जो नॉर्मली हम लोग मतलब सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, जब मर्जी मेरा मन करता तब भी ले सकती हूँ मैं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं, अफोर्डेबल भी हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं, ठीक होते हैं। और मेरा जो है डिनर, और ये रहा हमारा ओट्स, और इसकी रोटी मैं हस्बैंड को देती हूँ। हमने बहुत दिन से हो गया मैंने जो गेहूं के आटा की रोटी नहीं खाई है। और इसके साथ ये है न्यूट्री सोया चाम, क्या बोलते हैं इसको, हाँ वो बाय वन गेट वन थी रिलायंस में, तो मैं लेके आई हूँ। इसी ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ विद इन न्यू ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।